शहर के वार्ड नंबर 20 में सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ भी पेयजल समस्या बरकरार है। इसके अलावा वार्डवासी सफाई व रोड लाइट व आवारा पशुओं से भी परेशान है। आवारा पशुओं से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, वहीं रोड लाइट के अभाव में चोरियां होने की संभावनाएं भी बनी रहती है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में एक बोरिंग स्वीकृत है, वो भी कागजातों में ही पास होकर रह गई, लेकिन वार्ड में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वार्डवासी सौरभ शर्मा, अमित सोनी, गुड्डू सोनी, रेणु, बेबी सैनी, दिनेश ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग को अनेक बार शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम ब्रह्मचारी मोहल्ले से हैं और हमारा वार्ड 20 है, ना तो हमारे वार्ड का कोई पार्षद है और ना ही कुछ, और हमारी किसी भी तरीके से पानी के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना राजनीतिक सुनवाई हो रही है ना प्रशासनिक सुनवाई हो रही है। हम सभी के पास जाके मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब से भी हम मिल चुके हैं, मंत्रियों से भी हम मिल चुके हैं, पानी की हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है इस मोहल्ले में। ये ब्रह्मचारी मोहल्ले के अंदर सिर्फ एक गली में पानी नहीं है, चारों तरफ पानी आ रहा है, अच्छे से पानी आता है, पीछे की साइड में गली में पानी दाग रहा है, आगे गली में पानी दाग रहा है, पर हमारी गली में एक भी पानी नहीं है। बस बाकी का हमारी यही मांग है, जो भी हमारे पास वोट लेने आए पहले हमारे बोरिंग की व्यवस्था करें, हमें तब हम वोट देंगे, अन्यथा हम किसी को वोट नहीं देंगे। और हमारा जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। वार्ड की कोई अन्य समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं आप? हमारे कोई और हमारे गलियों में पशु घूमते हैं, बहुत ज्यादा पशु घूमते हैं, इनकी भी थोड़ी वो की जाए, क्योंकि छोटे बच्चे भी जाते हैं, समय भी जाते हैं, और गंदगी इतनी रहती है नालियों में, मक्खी मच्छरों से हम काफी हद तक परेशान हैं। शहर में दो जिलाध्यक्ष हैं, बीजेपी के हैं अशोक गुप्ता जी और कांग्रेस के हैं योगेश मिश्रा जी, उनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं आप? हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे, अगर यदि वो हमसे वोट लेना चाहेंगे तो हमारी मांगे पूरी करें। अगर आपकी योगेश मिश्रा जी से आप क्या अपेक्षा करना चाहते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष? हम बोरिंग की अपेक्षा करना चाहेंगे। बोरिंग के अलावा और भी कोई समस्या है?